वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार मुस्ताफी वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफा पेश कर दिया। फारूक हबीब का ट्वीट, वज़ीर-ए-आज़म से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। काप लीग और पीटीआई में तमाम मामलात तय पा गए। इमरान खान का चौधरी परवेज इलाही को पंजाब का वज़ीर-ए-आला नामजद करने का फैसला। काप लीग का वज़ीर-ए-आज़म पर इत्मीनान का इजहार, हिमायत का ऐलान कर दिया। अपोजिशन को 200 से ज्यादा रकीन असेंबली की हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी के साबिक एमपी उस्मान भट्टी का बड़ा दावा, इमरान खान के सरप्राइज के नाम पर जलसे को फ्लॉप कर दिया। बोले, खदशा था पंजाब में कहीं असेंबली तोड़ ना दी जाए, रकीन ने इसलिए आज अदम एतमाद पेश कर दी। विफाक से पहले हम पंजाब में सरप्राइज देंगे। लेगी काफले महंगाई मार्च में शिरकत के लिए तय करेंगे फासले। जनूबी पंजाब भर से कारकुनान इस्लामाबाद के लिए रवाना। बाबर चौक मुल्तान में कारकुनान और आला क्यादत का कट। बाबर चौक से काफला इस्लामाबाद रवाना, कारकुनान के लिए पुरतकल्लुफ नाश्ते का भी एहतमाम। तब्दीली मकाओ, महंगाई से जान छुड़ाओ। नून लीग का हुकूमत मुखालिफ मार्च। डीडी खान का काफिला मरकजी रहनुमाओं की क्यादत में रवाना। कौंसल शरीफ से लेकर रहनुमाओं के नारों की गूंज में रैली रवाना। उधर लैया राजनपुर से काफिले इस्लामाबाद की जानिब गामजन, कारकुनान की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। बल्दियाती इंतखाबात रोकने और फीस वसूली का मामला, मुल्तान हाईकोर्ट बेंच में केस की समाअत हुई। इंतखाबात के अमल को रोकने को गैर कानूनी करार दे दिया। सरकारी मुलाजमीन के लिए नई मुश्किल आन पड़ी। पंजाब हुकूमत ने मुलाजमीन के लिए शराइत रख दी कड़ी। मुलाजमीन के बरूने मुल्क इलाज पर पाबंदी आयद। नई गाड़ियों की खरीदारी और दफातर के लिए एसी की खरीदारी की ममानियत। हवाई सफर पर भी पाबंदी आयद कर दी। डेली वेजेस मुलाजमीन की भर्ती पर बैन लगा दिया गया। महकमाना वर्कशॉप और सेमिनार भी नहीं होंगे, मुरासला जारी। महंगाई की डगर पर डॉलर की रुपए को बड़ी टक्कर। इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 37 पैसे मजीद महंगा। डॉलर की कीमत आसमान की बुलंदियों को छूने लगी। डॉलर मुल्की तारीख में पहली बार 182 रुपए से भी तजावुज कर गया। डॉलर की कीमत 182 रुपए 15 पैसे पर पहुंच गई। घर बनाना ख्वाब बन गया। ईंट सीमेंट के बाद सरिये की कीमत में भी इजाफा। एक हफ्ते में सरिये की कीमत 5 रुपए तक बढ़ गई। 370 सरिये की फी किलो कीमत 210 और 470 सरिये की किलो फी किलो कीमत 209 रुपए हो गई। डीडी खान में 29 मार्च से रमजान बाजार लगाए जाएंगे। कमिश्नर कड़वीन भर में 30 रमजान बाजार लगाने का फैसला। सबराही इजलास में 5,90,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदने की हिदायत। 44,000 खरीदारी मराकज कायम करने के अहकाम जारी। माह रमजान में आवाम को नहीं होना पड़ेगा परेशान। कमिश्नर मुल्तान इरशाद अहमद का सब्जी मंडी का दौरा। नीलामी के अमल और कीमतों का जायजा। मुस्तवी महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम दिए। उधर भावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स और शहरियों को रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम। शहरी महंगे दामों शाया बाजार से खरीदने पर मजबूर। रिलीफ खत्म हुआ तकलीफ। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया का अनोखा फैसला। प्रेस क्लब से मुलहिका सहूलत बाजार तजावजात के नाम पर खत्म कर दिया। शहरियों के मिले जुले रद्द अमल का इजहार। बिजली की हाई वोल्टेज तारें या लटकती मौत। मुजफ्फरगढ़ बुखारीवाला में नंगी तारें शहरियों के लिए वाले जान बन गईं। शहरियों ने अपने मजाक के तहत तारों को सहारा दे दिया। इलाका में खौफ के साए में रहने पर मजबूर। कोटा दो वार्ड 14 में सहूलियात का फुकदान। आवाम नाकिस इंतजाम पर हुई परेशान। बिजली की लटकती नंगी तारों ने शहरियों की जिंदगी खतरे में डाल दी। इलाका मकीनों को करंट लगने का खदशा। शहरियों का महकमे इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। वकला मुतहद होकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें।
साबिक सदर हाईकोर्ट बार मुल्तान हबीबुल्ला शाकर का वकला तकरीब से खिताब, कहा इस तखा में पाकिस्तान के लिए मिलजुल कर जिद्दोजहद करेंगे। फलों के बादशाह आम की सल्तनत पर तेले का हमला, जनूबी पंजाब के बागवानों को माहरीन ने खबरदार कर दिया, जल्द से जल्द कटाई की हिदायत करती, ताखिर करने पर बागात को नुकसान पहुंचने का खदशा। मैट्रिक के तलबा के लिए इम्तिहान की तारीख का हो गया ऐलान, पंजाब एजुकेशन बोर्ड का 10 मई से इम्तिहान शुरू करने का फरमान, नहम के इम्तिहान का आगाज 26 मई से होगा, डेट शीट जारी। इंटर के तलबा के लिए खुशखबरी, इंटर के इम्तिहानी निजाम में तब्दीली, मैट्रिक के बाद एफएससी भी प्राइवेट हो सकेगी, प्राइवेट उम्मीदवारों को अमली इम्तिहान की तारीख का सर्टिफिकेट जमा कराना होगा, फैसले पर अमल दरामद तालीमी साल 2023 में होगा। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को खुद मुख्तार बनाने का एक्शन इकदाम, सनजार मुल्तान के ख्वाजा सराओं को मखसूस कोटा देने का ऐलान, ख्वाजा सराओं को ब्यूटिशन ड्रेस डिजाइनिंग समय दीगर हुनर सिखाए जाएंगे। एफबीआर का सार्फिन के लिए एहसन इकदाम, ड्यूटी टैक्सेस वसूली के लिए 31 मार्च आखिरी तारीख मुकर्रर, 30 और 31 मार्च को रात गए तक टैक्स दफातर खुले रहेंगे, चीफ कमिश्नर्स को स्टेट और नेशनल बैंक के ब्रांचेस से राबते की हिदायत। मेडिकल कॉलेज डीडी खान में टीबी से मुतालिक आगाही सेमिनार, मेहमान खसूसी कमिश्नर लियाकत अली चट्टा, प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर आसिफ, सीओ हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान समेत दीगर की शिरकत, दूसरी जानब गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बहावनगर में सेमिनार हुआ, बोर्ड के इंदराज और इस्तेमाल से मुतालिक आगाही फ्राहम की गई। जिंदगी खुदा की अमानत है, इसकी हिफाजत करें, मैपको कहरुड़ पक्का के जरिए तमाम आगाही वॉक, शुरखा को सेफ्टी मकाम बारे आगाही दी गई। उस शरीफ में 22वें वाले मेले का आखिरी रोज, मिठाइयों और दीगर खाने के स्टॉल से जायरीन की तवज्जो का मरकज, बच्चों ने झूले लेकर खूब लुत्फ उठाया। गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुल्तान में रंगारंग नुमाइश का इनेकाद, तालिबान की जानिब से दिलचस्प अशिया के स्टॉल्स लगाए गए, हाथ से तैयार करदा मलबूसात, ज्वेलरी, मेकअप और पेंटिंग्स के स्टॉल कायम, तालिबान ने नुमाइश में भरपूर हिस्सा लिया और मेहंदी भी लगाई। मुल्तान में जश्न बहारा का मेला सजने को तैयार, कवाली नाइट, म्यूजिकल नाइट और मैजिक शो का इनेकाद होगा, फैमिलीज और शहरियों की होगी फ्री एंट्री, जिला इंतजाम ने शहरियों को तफरी फराहम करने के लिए कमर कस ली, किला कोहना कासिम बाग में स्टेज की तैयारी, एसीसीटी ख्वाजा उमैर ने इंतजाम का जायजा लिया। गैरिजन स्कूल सिस्टम कबीरवाला में जश्न बहारा, 7000 बच्चों ने तकरीब को चार चांद लगा दिए, तलबा के तैयार करता मॉडल्स देखकर सभी ने खूब दाद दी। और बासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट मैच, रहीमर खान राजनपुर की टीम में मद्देमुकाबल, दोनों टीमों के खिलाड़ियों की एक दूसरे पर सबक ले जाने की कोशिश।